हेलो। हाँ हेलो, आवाज़ आ हाँ रही है? हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं जरा वो मैम को लगा रहा हूँ स्क्रीन शेयर के लिए, अलाउ करने के लिए। अच्छा, एक मिनट। ठीक है हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, हो गया ठीक है। हम लोग जो मेजर हम लोग के पास एस्पेक्ट है, सब लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से, तो सारे लोग हैं ना, ऑनलाइन है सब लोग? यस सर, हाँ एक लड़की नहीं है। सिवान है अच्छा, सर, सिवान सिवान। वेट कर ले हम लोग कि शुरू करें? सर मैं कॉल कर लेती हूँ। यस सर, वो आ रहे हैं। ठीक है, गुड। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है कुछ कि नहीं? अच्छा, सर, जी सर, दिख रहा है। एक मिनट में देखता हूँ। हाँ सर, एक मिनट, मैं अपने डॉक्टर को बुला रहा हूँ जरा ठीक कराने के लिए, उसको ज्यादा पता है। एक मिनट।
थोड़ा वो अभी मीटिंग में है, अभी आती है तो मैं उससे कराता हूँ, तब तक हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। जी अभी स्क्रीन दिख रहा है? कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? सर, आपकी वीडियो दिख रही है बस सर, अच्छा, केवल मेरी दिख आप रही है, एक मिनट। जी अभी भी नहीं दिख रही है ना? मेरा स्क्रीन तो नहीं दिख रहा, केवल वीडियो दिख रहा है। सर, हाँ सर, इस दिख पर रही है आपके सर, अब लैपटॉप की स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है, स्कल्पचर्स अच्छा, दिख रहे हैं लैपटॉप। उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग के पास जो अभी तक चैप्टर्स थे, उसमें हम लोगों ने जो बातें की हैं, एक तो डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट वर्क फॉर रिसर्च, इस पर हम लोगों ने बात की थी कल। जी इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट वर्क में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, फिर से एक बार हम लोग उस पर अगर चर्चा करना चाहें कि हम लोग कैसे आर्ट वर्क को डिस्क्राइब करेंगे। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि आर्ट वर्क को दो तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक तो उस पीरियड में जब हम आर्ट वर्क को डिस्क्राइब करते हैं तो उस काल में हमको जाना होगा, उस काल के अनुसार उसकी स्टडी हम करेंगे। उस काल में जिस तरह की कलाकृतियाँ हुई हैं, उसके सराउंडिंग, उसके सामाजिक स्थिति, उसके अनुसार हम आर्ट वर्क का को एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा, एक जब हम कंटेम्प्रेरी आर्ट की तरफ आते हैं तो कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग कला का विशेष रूप से अध्ययन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ, कॉन्सेप्ट में हमने कल भी बहुत सारी बातें की थी कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट में एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, दूसरा हो सकता है मीडियम को लेकर हो सकता है, तीसरा हो सकता है एक्सप्रेशन को लेकर हो सकता है। हम लोग एक बात करेंगे अभी कि जो हम लोगों ने ये भी बात की कि हम कैसे आर्ट को एनालाइज करेंगे, उसमें हम कहाँ होंगे, एक मेरी अपनी दृष्टि एज रिसर्चर, हमारी दृष्टि क्या होगी, और एज आर्ट हिस्टोरियन हम कैसे चीज़ों को देखेंगे, हमारी अपनी जो सोच है वो कहाँ तक स्टैंड करती है, और उस सोच के आधार पर हम कहाँ तक देख सकते हैं, और अपने को आर्ट क्रिटिक के रूप में जब हम तटस्थ अपने को एक जगह पर रखते हैं, उसके बाद हम आर्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, इन विषयों पर हमने चर्चा की थी। और अब हम लोग जो बात करेंगे कॉन्टेम्प्रेरी न्यू ट्रेंड्स ऑफ आर्ट एंड प्रैक्टिसेस, ये हम लोग का एक इम्पोर्टेंट, कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट के जो न्यू ट्रेंड्स हैं उस पर हम लोगों ने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी कि न्यू ट्रेंड्स क्या क्या है, और उस पर हम समझते हैं कि सब लोग एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। फिर भी बिफोर स्टार्ट, कुछ शुरू करने के पहले कुछ विजुअल्स मैं लाया हूँ, और विजुअल्स के साथ मैं डिस्कस भी करूँगा, और आपका एनालिसिस भी मैं चाहूंगा कि आप किस तरह से वर्क ऑफ आर्ट को देखते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने बातें की और बातों के बाद आपके माइंडसेट में कौन कौन सी चीजें आई हैं, और आप किस तरह से उन चीजों को एनालाइज अप करेंगे।
आज से 2 दिन पहले आपका एनालाइज करने का व्यू दूसरा रहा होगा। हो सकता है हमारे बातों के बाद आप आर्ट वर्क ऑफ आर्ट को किस तरह से एनालाइज करेंगे, एक दृष्टि, व्यापक दृष्टि आपकी हुई होगी। मैं समझता हूँ कि ये एक रिसर्चर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग जिस चीज पर बात कर रहे हैं, जो विषय है कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट मूवमेंट में, जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट में न्यू ट्रेंड्स आए हैं, न्यू ट्रेंड्स का एनालिसिस हम कैसे करेंगे, तो न्यू ट्रेंड्स को पहले हम जाने कि न्यू ट्रेंड्स हैं क्या। हम लोगों ने वर्बल बहुत सारी बातें की थी कि ऐसा हो सकता है, ये वीडियो इंस्टॉलेशन हो सकता है, विजुअल आर्ट में इस तरह से बहुत नई नई विधाएं हैं जिसके आधार पर हम लोग चीज़ों को देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वो कुछ स्लाइड्स दिखाने का। अब एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये भी है कि जब हम एक ट्रेडिशनल आर्ट और मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं, फोक आर्ट करते हैं, फोक आर्ट का इन्फ्लुएंस भी हमारे वर्क ऑफ आर्ट पर होता है। ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? सर अभी नहीं दिख रहा है सर, अभी नहीं दिख अभी रहा अभी नहीं। है? एक मिनट। अभी भी नहीं दिख रहा है ना? सर लिख क्या रहा है सर, स्टार्टिंग से सर स्टार्ट हो रहा अच्छा है, सर आ गया। ये सर अब दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है लेकिन सर अभी ब्लैंक है। ब्लैकआउट है। अभी भी नहीं दिख रहा है ना? स्टॉप शेयरिंग द नहीं प्लेटफॉर्म। सर, नो सर, अब तो आ रहा होगा शेयर। यस सर। मैं कुछ ऐसे एट ए ग्लांस एक ड्राइंग आप लोगों को दिख रहा होगा ना? यस सर। ड्राइंग, हाँ। अगर इस वर्क ऑफ आर्ट को, ये एक थोड़ा मैं पहले जा रहा हूँ, इस ड्राइंग के बारे में आप लोग अगर कहें, आप लोग को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, और अगर इसको डिस्क्राइब करना होगा तो हम, एक हमारे पास यहाँ पर हॉर्स का फेस है, दिख रहा है? जी सर, जी सर, ये हॉर्स का फेस है और वो कुछ पत्तियां हैं, वो खा रहा है, और एक डेकोरेटिव फॉर्म्स है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये कुछ वाटर ड्रॉप्स की तरह है इमेजेस, ये दिख रहे हैं आप लोगों को? एम्प्टी, ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है, और उसके बीच में ये एक जेब्रा है। और जेब्रा को, अब हम यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं और हम इस पर बात करते हैं। जेब्रा का एक, जैसे हम लोग रोड पर देखते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लैक एंड व्हाइट का एक ठीक कॉम्बिनेशन होता है, एक स्ट्रिप्स होते हैं, वो स्ट्रिप्स जेब्रा, उसको जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं कि जेब्रा में भी उस तरह के स्ट्रिप्स होते हैं। तो अब
पीछे की तरफ आप अगर देखेंगे तो बैक साइड में एक येलो लाइन है और येलो लाइन को जेब्रा क्रॉस कर रहा है। आर्टिस्ट का क्या अपना थॉट होगा इस विषय में हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर विजुअली हम इसको ये कहें तो कहीं ना कहीं जेब्रा क्रॉसिंग और जेब्रा के साथ वो रिलेट कर रहा है। ये उसी फॉर्म का थोड़ा जब डेवलप हुआ है उसके बाद का है। ये बिल्कुल सिंपल प्ले है। अब इस तरह के फॉर्म में ये पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट है और ये आप इसको इस तरह से समझें कि ये टाइल्स का टेक्सचर है जिस तरह से वॉल टाइल्स होता है और वॉल टाइल्स को ही प्ले किया हुआ है। अब एक चीज यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या इसको वर्क ऑफ आर्ट के किस श्रेणी में हम रखेंगे। आप लोगों में अगर इसमें कोई, चूंकि आप लोगों को अब स्टडी करना है, आपको आपके पास कोई पेंटिंग आएगी और पेंटिंग के विषय में आप लोग अपना मंतव्य रखेंगे, तो किस तरह से इसको हम देखेंगे। आप लोग कुछ बताइए। देखिए वर्क ऑफ आर्ट क्या है। वर्क ऑफ आर्ट एक प्ले है। प्ले है, हमारे पास फॉर्म होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है और उसके आधार पर हम फॉर्म और अपने स्पेस के साथ हम एक खेल की तरह उसको खेलते हैं, ठीक है। अब ये टाइल्स है, इसमें अगर हम लोग कहें कि टाइल्स में बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं और उस शेप्स में आप अगर कहें कि कोई मीनिंग हो, ऐसा मीनिंग नहीं है, बट एक तरह की सेंसिटिविटी है, एक तरह की संवेदना है, वो कहीं ना कहीं कलर टोन्स को प्रदर्शित करती है। सर कलर टोन्स के इफेक्ट को भी प्रभावित कर रही है, जैसे कि लाइट एंड मीडियम लेकिन अगर आपसे इस विषय में पूछा जाए कि आप इसका मतलब बताएं तो क्या बता सकते हैं? सर अपनी निजी अभिव्यक्ति होगी, निजी अभिव्यक्ति होगी, फिर हमको इसको अगर एनालाइज करना होगा तो क्या हम केवल यही कह सकते हैं कि निजी अभिव्यक्ति है? अगर हमको इस वर्क ऑफ आर्ट को डिस्क्राइब करना होगा तो क्या हम इसको कह सकेंगे कि निजी अभिव्यक्ति है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं? नहीं नहीं सर, देखने पे उसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है वो भी तो एक मायने सर, हमारी भी निजी अभिव्यक्ति रहेगी उसको देखने की, हमारी अपनी निजी अभिव्यक्ति देख रहे हैं। हाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो क्या हो सकता है अगर एक एक व्यक्ति का अलग अलग हम पूछें तो क्या हो सकता है? मेरे नजरिए से देखा जाए तो ये इसमें कलर टोन्स को प्रभावित कर रहा है सर, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में। ये मेरे को लगता है इस तरीके। हाँ, उर्वी आ जाओ एक मिनट, मैं स्क्रीन का शेयर करने का मैं एक बार फिर इसमें एक मिनट हूँ। नहीं मैं ये चार, हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आपके स्क्रीन पर केवल
आपके स्क्रीन पर मैं भी दिख रहा हूँ कि केवल पेंटिंग दिख रही है? सर आप भी दिख रहे हैं, पेंटिंग भी दिख रही है। सर आप भी? ओके ओके, आप लोग नहीं दिख रहे, वही मुझे लग रहा था। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारे। पहले एक ग्लांस हम लोग, ये मैं जो अभी वर्क आप लोगों के पास ले आया हूँ, दे आर नॉट वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट, बहुत नोन आर्टिस्ट नहीं है, दे आर वेरी यंग आर्टिस्ट और स्ट्रगलिंग ये लोग हैं। और इसलिए जरूरी है, मैं इसलिए कह रहा था कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत नोन है, जिनके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, उन आर्टिस्टों के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन जो नए ट्रेंड है, जो नए आर्टिस्ट हैं, अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, सोच रहे हैं, और उनका दायरा बहुत विस्तृत है। मैंने पहले भी अपने लेक्चर में ये कहा था कि जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट से, जो यंग आर्टिस्ट है, उनसे हम लोग को एज टीचर हम लोग को सीखने की प्रेरणा इसलिए मिलती है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत नया होता है। तो ये मैंने इसलिए एकदम अपकमिंग आर्टिस्टों का कुछ काम लिया है, जो ये आर्टिस्ट ये वर्किंग प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। इनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, और थॉट प्रोसेस किसी भी नोन आर्टिस्ट की तरह नहीं है। दे आर थिंकिंग टोटली न्यू, और अपने तरीके से नए ढंग से सोच रहे हैं, नए फॉर्म को उन लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे पहले हम लोग थोड़ा एक ग्लांस देख ले, फिर हम लोग, ये जो फॉर्म है ये उडकट है, ये ग्राफिक प्रिंट है ना, और इस प्रिंट में जो कॉन्टेम्प्रेरी, इस प्रिंट में कोई बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन नहीं देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल ही सामान्य कॉन्टेम्प्रेरी, और ये इस तरह से है, ये बिल्कुल एक सामान्य जो कॉन्टेम्प्रेरी हम लोग प्रिंट देखते हैं, जो उठकर देखते हैं, उससे बहुत भिन्न नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसको अलग तरीके से हम सोच सकते हैं। ये आर्टिस्ट है, बहुत ही यंग आर्टिस्ट है, ये बिटवीन मोस्टली आर्टिस्ट जो है 30, 35, 40, बिलो 30, इस तरह के आर्टिस्टों के काम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक काम है, इस काम को अगर हम लोग देखें तो हमारा विजुअल परसेप्शन जो है, विजुअल परसेप्शन किस तरह से विस्तृत हो सकता है। हम लोगों ने जो कॉन्वेंशनल रेंडरिंग है ब्रश की, ब्रश को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, उस पद्धति में कुछ इन्होंने हेड्स लिए हैं, कुछ और कुछ लिम्स लिए हैं, लिम्स को लेकर, और एक पेपर, एक कैनवास पर इन्होंने प्ले किया है। इसके संबंध में हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, कलर की दृष्टि से अलग करेंगे, कॉन्सेप्ट की दृष्टि में, यद्यपि हम लोग के पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग को कोई लिखा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं, ना आर्टिस्ट हम लोग को बता रहा है, लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें तो एक स्पेस डिविजन है, कलर का ट्रीटमेंट अलग है, और कलर भी जो यूज किया गया है वो बिल्कुल कॉन्वेंशनल नहीं है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं कैनवास में ही एक जो ट्रेडिशनल फॉर्म है पेंटिंग का, उसको ब्रेक करने की कोशिश की है, और इसलिए नए आर्टिस्टों पर मैं ज्यादा विशेष रूप से देख रहा हूँ, नए आर्टिस्टों को मैं लाया हूँ, कि ये लोग जो कॉन्वेंशनल आर्ट है उससे अलग होने के लिए, यद्यपि इनका दायरा एकदम निश्चित है, कैनवास के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी इनका जो तोड़ने की, जो ग्रामर तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। ये पेंटिंग बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट को लेकर इन्होंने काम किया है, एक का फॉर्म है, और एक के फॉर्म में वो जो एक तोड़कर, एक दो ऊपर पैर दो आप देख रहे होंगे, तो वो निकलने की कोशिश कर रहा है, और वो कुछ सोच रहा है, इस तरह के एक फॉर्म को लेकर इनका एक्सप्रेशन है। इज वेरी यंग आर्टिस्ट, ये। अब मैं इसके इस स्कल्पचर के ऊपर आ रहा हूँ। स्कल्पचर मैंने पहले भी कहा था कि स्कल्पचर हम लोगों ने जो कॉन्वेंशनली देखे हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक पेडिस्टल होता है, पेडिस्टल के ऊपर एक हॉरिजेंटल फॉर्म, एक वर्टिकल फॉर्म, इस तरह के फॉर्म का आदि रहे 20वीं शताब्दी तक ये हुआ। इस स्कल्पचर में बेसिकली ये ऑटो रिक्शा के फॉर्म है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऑटो रिक्शा का फॉर्म है, कई सारे ऑटो रिक्शा है जो रोड पर चल रहा है। अब इसको हम किस तरह से देखेंगे, एक आर्टिस्ट, एक क्रिटिक के रूप में अगर इसका एनालिसिस करेंगे, वर्क ऑफ आर्ट को, इसको अगर हमको देखना होगा तो हम किस रूप में इसको देखेंगे,
इसमें क्या खास चीज है जिस पर हमको इम्फेसिस करने की जरूरत होगी? आप लोगों में से कोई बताए तो फिर मैं उस पर उसको जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि देखिए हम लोग अभी वर्क ऑफ आर्ट को देखने की का जो तरीका है उस पर हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर ये कुछ मुझे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे हम लोग को छोटे छोटे खिलौने मिले थे, टेराकोटा की बैलगाड़ियां मिली थी, उसी का एक डेवलप्ड रूप लग रहा है कि आज के समय में ये छोटे छोटे खिलौने की तरह जो ऑटो रिक्शा है वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये तो हो गया फॉर्म के एस्पेक्ट पर कि आपका आपका इंडिविजुअल दृष्टिकोण है कि जो फॉर्म है वो फॉर्म सिंधु घाटी की सभ्यता या हमारा जो अपना ट्रेडिशन था उस फॉर्म से फॉर्म को इन्होंने टाइम के अनुसार, जैसे वहां बैलगाड़ी है और यहाँ आज के कॉन्टेम्प्रेरी इसमें इन्होंने ऑटो को शो किया है, ठीक है, यही आप कहना चाह रही हैं? जी सर। ठीक है, और इसके साथ अगर अब इसके दो एस्पेक्ट है, एक तो हम इंडिविजुअल फॉर्म की बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो फॉर्म है उसको हम लोग बात उसकी बात कर रहे हैं, दूसरा जो और एस्पेक्ट है वो क्या है सर? एक्सप्रेशन है, एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एक्सप्रेशन दिखाए हैं मोमेंट के साथ, और मीडियम का जो सेंसिटिविटी है उसको भी ऑब्जर्व किया है उन्होंने। मतलब मीडियम की जो जितना एक्सप्लोर जितना एक्सप्लॉयट कर सकते थे इस मीडियम को, टेराकोटा मीडियम है, टेराकोटा मीडियम को जितना एक्सप्लॉयट कर सकते थे, जो उसके टोन टेक्सचर इन चीजों को जो जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है वो इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है अगर आप लोग, मतलब मेरे हिसाब से मैं अगर एज ए आर्टिस्ट उसको अगर एनालाइज करूंगा तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉम्पोजिशन फॉर्म के साथ स्पेस का ट्रीटमेंट, स्पेस जो एम्प्टी स्पेस है, जो बीच के खाली जगह है, ये भी हमारे स्कल्पचर का पार्ट है। मतलब एक एक ऑटो रिक्शा है, उसके बाद पीछे एक ऑटो रिक्शा है, उसके पीछे दो ऑटो रिक्शा है, ये जो पूरा फॉर्म है उस फॉर्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पूरा सराउंडिंग, ये जो पूरा एरिया उन्होंने कवर किया है वो पूरा स्पेस भी स्कल्पचर का पार्ट है। तो हम लोग जब देखेंगे हम 21वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के बाद की मूर्तियों में जो कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर है उसमें स्कल्पचर में खासकर स्पेस का ट्रीटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि आप हेनरी मूर का स्कल्पचर देखेंगे तो हेनरी मूर के स्कल्पचर में क्या खास थी कि सबको पता होगा हेनरी मूर बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है। हेनरी मूर ने अपने स्कल्पचर के इंटरनल पार्ट को एक्सप्लोर किया, उसके पहले स्कल्पचर में का जो आंतरिक जो भीतर का स्पेस होता है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन हेनरी मूर ने स्कल्पचर के इंटरनल, जैसे एक हॉरिजॉन्टल फिगर है और फिगर के बीच में एक गोल कटा हुआ है, तो इंटरनल जो गोल कटा हुआ जो वो स्पेस है वो भी स्कल्पचर का एक पार्ट है, तो वो हेनरी मूर ने शुरू किया। लेकिन अब कंटेम्प्रेरी ट्रेंड में स्कल्पचर एक पेडिस्टल पर रहने वाला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म नहीं है, बल्कि स्कल्पचर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है वो है स्पेस, और इसलिए स्कल्पचर ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। और जब हम क्रिटिसाइज करेंगे, जब हम लिखेंगे तो हम इस चीज को जरूर एनालाइज करेंगे। यस ठीक है, ये एक स्कल्पचर है, पेंटिंग है, इस पेंटिंग में एक बीच में ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है, उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे फिगर्स आपको दिख रहे हैं, ह्यूमन फिगर्स हैं, ह्यूमन फिगर्स दिख रहे हैं। अब इसको इसको अगर हम ऐसे सोचे कि इसको हम कैसे, ये फॉर्म आखिर आर्टिस्ट ने कहां से डिराइव किया, कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो आर्टिस्ट ने इस फॉर्म को इनहांस किया होगा, अपने भीतर लिया होगा, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन उसका होगा, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आपको दिख रहा है? कभी आप लोगों ने सोचा है? आप लोग खुद से सोचिए कि अगर हमको, हम सब अलग, हम पांच लोग हैं, पांच लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक तो है इसमें अगर हम इसको करें तो पूरे फॉर्म में मोनोटोनी है। हम एनालाइज जब करेंगे तो हम कैसे एनालाइज करेंगे कि पूरा कैनवास में
एक मोनोटोनी है, कहीं भी स्पेस डिवीजन का, अनलेस दिस स्पेस, इस स्पेस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म्स है। ये कर्जर दिख रहा है ना? यस सर। तो ये एरिया अगर हम छोड़ दें, इतना एरिया में थोड़ी डेंसिटी कम है और बाकी एरिया में टोनल वैल्यू जो है वो एक तरह है। अब इसमें जो ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, ये क्या कर रहा है, ये स्पेस को तोड़ रहा है। अगर ये नहीं होता, इस फॉर्म को अगर आप हटा दें, तो क्या इस पूरे पेंटिंग में ये क्या, ये सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन भी बन रहा है और ये जो फॉर्म है, ये हो सकता है आर्टिस्ट ने नोइंगली नहीं किया हो, जानबूझकर नहीं किया हो, लेकिन क्या होता है जब आर्टिस्ट काम करता है तो सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो पूरा फॉर्म अगर हम हटा दें तो इस पेंटिंग का कंटेंट कुछ और होगा। ये होने से एक स्पेस में एक सेंसिटिविटी, ये पूरे कैनवास में एक अलग सेंसिटिविटी बनती है इन सारों के लिए, ये पूरे फॉर्म के लिए। ये एक फॉर्म जो है वो इनहांस कर रहा है। आप लोग सहमत है इससे? यस सर। और अगर कुछ आपको लगता हो तो आप बताइए। सर मुझे ये लगता है कि इसमें ये जो कुछ मतलब जो फिगर्स है, हेलो, हाँ हाँ सर, मुझे ये लगता है जिसमें जो कुछ फिगर्स बने हुए हैं और ये मतलब खुजराव से रिलेटेड कुछ लिए गए हैं, मतलब इस तरीके दिखाया गया है इसमें। नहीं, खजुराहो से रिलेटेड तो फिगर्स नहीं है, खजुराहो से ये न्यूड फिगर्स जरूर है, लेकिन खजुराहो से न्यूड का मतलब सारा खजुराहो से मतलब नहीं था। खजुराहो में अगर न्यूड है तो उसके पीछे कोई आदर्श है, है ना? तो वो नहीं है, इरोटिक फॉर्म जरूर है, इरोटिक फॉर्म है, लेकिन इस फॉर्म में इरोटिसिज्म नहीं है। मतलब ये फॉर्म एक ह्यूमन फॉर्म है, लेकिन इस फॉर्म में कहीं इरोटिक भावना आपके अंदर उत्पन्न नहीं होती है, तो इसलिए हम उस दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ये ड्राइंग है, पर्सपेक्टिव। इस फॉर्म को अगर हम देखते हैं तो क्या हमको प्रतीत होता है, अगर इसको हमको एनालाइज करना हो तो कैसे? ये ड्राइंग है, पेंसिल का ड्राइंग है, पेपर ऑन पेंसिल, पेंसिल ऑन पेपर, पर्सपेक्टिव। आप ये देखिए कि एक स्थापत्य है, लेकिन उसको किस तरह से उसका इसको कॉन्सेप्ट, इसको किस तरह से कॉन्सेप्ट के रूप में कैसे देखा, कि जैसे मिरर हम लोग देखते हैं, है ना? तो ये पूरे चीजों को एक्सक्यूज करके उसको सिकोड़ के राउंड किया है, मतलब बॉल की तरह पूरे आर्किटेक्चरल फॉर्म को। अगर हम इस पार्ट को देखें तो इसी फॉर्म का एक्सटेंशन है, इस पार्ट को देखें तो और भी ज्यादा उसका एक्सटेंशन, मतलब ये इसका कोई एक पार्ट का ये इनलार्जमेंट हो सकता है, इस पार्ट का ये इनलार्जमेंट हो सकता है, लेकिन ये पार्ट जो है ये सिकुड़ गया है एक बॉल के आकार में। यस सर, इसी एसर की तरह शायद काम लग रहा है। हाँ, तो ये इस तरह से उसको अब हमको जब एक्सप्रेस करेंगे तो हम इसके बारे में इस तरह से सोच सकते हैं। ये केवल मैं इसलिए बात कर रहा था कि एक दृष्टि हमारी बढ़े कि हम किस तरह से वर्क ऑफ आर्ट को देखें। इस फॉर्म को देखें तो बहुत ही मतलब बहुत ही कॉन्टेम्प्ररी, बहुत ही समसामयिक इसको कह सकते हैं, है ना? डेकोरेटिव टाइप का है। तो वो जो लास्ट पेंटिंग थी इसके पहले वाली, उसमें मुझे लग रहा कहीं ना कहीं उन्होंने पृथ्वी गोल है और उसपे सारी बिल्डिंग्स हैं, इसे भी डिनोट किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये अब देखिए, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है पृथ्वी गोल की, मतलब पृथ्वी की तरह पूरे, अब हम लोग इसको कितने तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि पूरा पृथ्वी जो है वो कॉन्क्रीट का बॉल बन गया है।
नेचर यहाँ नहीं दिख रहा। तो ये अब जब हम इसकी इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा अपना विजन वहां पर आएगा। अब ये अपना विजन कैसे आएगा कि जितना हम वर्क देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। पत्ते जो हैं इधर उधर उड़ रहे हैं। अब इसमें लग रहा है कि ऐसे पेपर पेपर फटा है और अंदर से कलरफुल कुछ पत्तियां निकल रही हैं। ये सिंपल आर्किटेक्चरल फॉर्म है, ये ड्राइंग ही है, ये प्रिंट है एक्चुअली, ये एचिंग है। ये एक बड़ौदा के आर्टिस्ट है, प्रिंट मेकर है, उनका है एचिंग है। ये आगे बढ़े। यस अब यहाँ पर थोड़ा सरियलिस्टिक अप्रोच है, थोड़ा ड्रामेटिक एलिमेंट है कि एक ये तितली इन्होंने बनाया है, एक नती बुड़ पर पैरासूट से ये तितली, इसको है ना टिड्डा जैसा कुछ फॉर्म है और पैरासूट से उतरता है। एक एक इमेजिनेशन है, एक ड्रीम की तरह इसको हम लोग देख सकते हैं। बुट कर रहे हैं। हाँ वुड कट है। तो पेंटिंग्स को देखने के बाद जब उसकी टेक्निक पता चलती है तो थोड़ा फीलिंग्स भी चेंज हो जाती है। जैसे देखा अच्छा वुड कट है तो फिर फीलिंग चेंज हुई। अच्छा हाँ सही, मुझे लगा जैसे वैन गॉग का था ना काम करने का स्टाइल, वैसा लग रहा था मुझे। क्योंकि इम्पोर्टेंट वर्क मैं दिखाता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे कि फोक आर्ट का कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है स्क्रीन। तो जा रहा है ना आपके पास? जी सर, यस सर, जी सर। इस फॉर्म को देखिए, इस फॉर्म में को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। हम लोगों ने बात की थी कि चाइल्ड आर्ट की भी बात की थी, फोक फॉर्म की भी यस सर, बात की थी, तो इस इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस फॉर्म को इसको कैसे एनालाइज करेंगे। एक तो हम इसको कुछ कई महिलाएं तरीके से देख सकते हैं। एक तो स्पेस डिवीजन, स्पेस डिवीजन में क्या है विशेष कुछ चीजें, पूरे कैनवास को या पूरे पेपर को में कहीं स्पेस डिवीजन जैसी चीजें नहीं है। ऐसा जैसे हम लोगों ने देखा है ट्रेडिशनल फॉर्म, ट्रेडिशनल भी हम कह सकते हैं फोक आर्ट के फिगर जो फॉर्म है उसमें, इसको थोड़ा इनलार्ज करता हूँ मैं तो। सामान्य जीवन से अच्छा थोड़ा ड्रामेटिक भी है और डेली लाइफ से लिया हुआ विषय है। ये पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। इसके बारे में कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि आप भी कोई भी बना सकता है, लेकिन जो जिस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है इस विषय में, बहुत ही सामान्य विषय है,
लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये काम है, इसको किस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। आप लोगों में से कोई बताएगा अगर आपको इसके बारे में लिखना हो तो किस तरह से आप इसको, इस वर्क के ऊपर किस तरह से आप राइटअप कर सकते हैं, इसको कैसे आप क्रिटिसाइज करेंगे। इस फॉर्म में जो ट्राइबल आर्ट के जो फॉर्म्स हैं वो इसके साथ आ रहे हैं, आपने देखा होगा जो मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स के केव्स में बहुत सारे आपको पेंटिंग्स दिखे होंगे, उस पेंटिंग में स्पेस डिवीजन नहीं है, लेकिन जो फॉर्म्स हैं केवल फॉर्म वो प्रिमिटिव है, अदरवाइज कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा उसका असर है। ये ड्राइंग है और ये ड्राइंग ड्राई पेस्टल से बना हुआ है। अब देखिए इस स्पेस को यूज करने का जो मैंने बताया था, कई सारे फॉर्म्स हैं इसमें, कार्ड की तरह है और एक अलग तरह से एक्सप्लोर करने के लिए कोई ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो एक पेंटिंग में कैनवास में आमतौर होता है, ये सारा कार्ड ही अपने आप में पूरी एक पेंटिंग है और पूरा मिलाकर भी एक कंपोजिशन है। तो जो मॉडर्न ट्रेंड्स अभी हमारे यहाँ आर्ट में चल रहे हैं, कितने तरह से लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। ये पूरे देश से करीब 125 आर्टिस्टों का काम है जो हमारी यूनिवर्सिटी में 15 दिन रह के इन लोगों ने काम किया था। इस ड्राइंग के बारे में आप कुछ बताएं, ये तो बहुत आसानी से आप लोग इसके बारे में बोल सकते हैं, इस फॉर्म के बारे में, कहीं से ये फॉर्म प्रभावित है किसी आर्टिस्ट से। जोगिन चौधरी का सर कुछ कुछ मतलब जैसे वो भी लाइन आउटलाइंस वगैरह करते हैं। ठीक है, अब यही है कि जैसे आप जोगेन चौधरी को देखेंगे तो आप इस पेंटिंग के बारे में एनालाइज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे भी इस पर जोगेन चौधरी का प्रभाव लग रहा है, प्रभाव हम नहीं भी कह सकते हैं, मतलब तो हो सकता है कि कहीं सबकॉन्शस में ये चीज, चूंकि ये फॉर्म जो है, फॉर्म को हम लोग, आप लोगों ने सर आर्टिस्ट कुछ ना कुछ आइडियाज तो कहीं ना कहीं से लेता ही है ना। मातिस मातिस का काम आप लोगों ने देखा है, हाँ देखा है सर। ये यस सर। बहुत ही, ये भी ड्राइंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सामान्य विषय है और सामान्य विषय किस तरह से चित्रों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बिल्कुल डेली लाइफ का है विषय। तो सर स्टोन टाइप का नहीं ये तो स्टोन, ये कोइंस एक्चुअली टाइप। ये पेंट, हाँ ये पेंटिंग जो है ये ओशो की भतीजी है, उसकी पेंटिंग है, अच्छा। अपनी रियल भतीजी, शी इज ए पेंटर, तो कुछ आध्यात्मिक चीजें हैं इसके साथ, तो देख के लगती हैं। इसमें स्पेस का यूज भी, काम
ऑल राउंड होगी। इस पेंटिंग की जो खास विशेषता है वो आप बताएं, एक आर्ट क्रिटिक के रूप में, एक क्रिटिसिज्म अगर आप करना है, एक रिसर्चर के रूप में इसके बारे में कुछ बताएं। सर एक समुद्र के किनारे का सा हो है और कुछ नहीं, वो तो डिस्क्रिप्शन हो गया, बड़ा कीजिए सर, ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया। सर थोड़ा जूम हो सकता है? हाँ स्क्रीन से भी कर लो, अपनी स्क्रीन से भी हो जाएगा आपकी स्क्रीन से। अच्छा अच्छा इसका जो ये है कि इसका व्यू जो कर रहा है, आप ये देखिए कि ये हमारा यहाँ पर आई है, यहां से हम देख रहे हैं और इसको हम टॉप से देख रहे हैं। ये अच्छा, कुछ वर्कर्स हम सामने से नहीं देख रहे हैं, ये हमारी आंख यहाँ पर है, ये हमारी आंख है, ये आंख है और यहां से हम एक व्यू देख रहे हैं। इसका इन चीजों को दिखाने का मेरा उद्देश्य यही था कि कितने तरह से चीजों को एक्सप्लोर किया जा रहा है आज के डेट में। वर्क ऑफ आर्ट का एक कोई बहुत ही सामान्य विषयों को भी कुछ स्कल्पचर्स हैं। इसके ऊपर जो ये पार्ट है, जैसे गधे के ऊपर बोझ हम लोग डालते हैं, उस तरह के फॉर्म है ये पूरा मिलाकर एक स्कल्पचर। ये रॉकेट नुमा एक फॉर्म है। अब देखिए स्कल्पचर में जो एक जो नरेशन है, एक नया ट्रेंड जो है, जो पिछले, ये इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो कलाकार है ये अभी एक बिल्कुल वर्किंग है, लेकिन इनके कामों में जो इनकी कृतियों में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। बहुत कम ही कलाकारों का आप देखे होंगे जो केवल एक फॉर्म को लेकर चल रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग, दे आर डूइंग समथिंग, मतलब ये कुछ ना कुछ कन्वे करना चाह रहे हैं। ये आर्टिस्ट है मध्य प्रदेश की और ये सारे 15 दिन के काम है। ये काम बहुत कॉन्वेंशनल है, जैसे आप लोग 2000 के आसपास या 1990 इस तरह के आसपास के, तो हर तरह के ट्रेंड के लोग काम कर रहे हैं।
इस स्कल्पचर में मूल रूप से ये शेडो है, ये एक फिगर है और फिगर का शेडो यहाँ है। ये शेडो देखिए, ये भी शेडो को थ्री डायमेंशन में, मैंने भी शेडो पर काफी काम किया है, शेडो को थ्री डायमेंशन, इस फॉर्म का शेडो है ये, और शेडो को भी थ्री डायमेंशन में इन्होंने देखा है, ठीक है। और ये कुछ लिम्स है इसी के, ये भी प्रिंट है, उपकट और एचिंग मिक्स है इसमें। तो ये प्रागैतिहासिक काल के चित्रों से मिलकर एक ड्राइंग, ये पूरा एक एक पेंटिंग है, और इसमें डिफरेंट फॉर्म को, जैसे एक नया ट्रेंड की, जैसे हम लोगों ने कार्ड वाला देखा था, और ये एक्रेलिक शीट के बैक साइड में इसको लगाया हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट शीट है, एक्रेलिक शीट। हम लोग एक ग्लांस लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, ये फॉर्म, इस तरह के फॉर्म आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, जैसे जीआर संतोष के आसपास के फॉर्म। अच्छा अब ये एज का जो जितना एग्रेशन है नए जनरेशन के पास, वो एग्रेशन पुराने कलाकारों के पास नहीं है। इन चीजों से ये हम लोग को स्पष्ट होता है कि जो नया जनरेशन है, दे आर मोर एग्रेसिव, वो नए नए तरीके से सोचता है। मैं कुछ बिल्कुल ये कुछ स्टूडेंट्स के काम है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका काम विशेष रूप से दिखाता हूँ। ये जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे हैं। अब ये स्टोन का फॉर्म है, एक लड़की है किरण, उसका काम है, स्टोन का फॉर्म है ये, आटे, ये जो एक का ट्रे होता है, उसको, उस कॉन्सेप्ट को लेकर इसने किया। मैं इसे दिखा रहा हूँ स्कल्पचर के साथ, कलर का यूज, स्कल्पचर के साथ स्पेस का यूज, कैसे उसको अलग ढंग से सोचा जा रहा है। ये एक नरेशन आ रहा है इन चीजों में, स्कल्पचर के साथ, जो हम लोग 20वीं शताब्दी के पूर्व जो स्कल्पचर देखते थे, तो उसमें नरेशन नहीं था, फॉर्म अपने आप में था। इसमें एक नरेशन है, ये आदमी उड़ना चाह रहा है, और ये जो विंग है वो कान की तरह है, ये कान जो चिल्ला रहा है, तो उसका कान एक्सपेंड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे तरह से सोचने की प्रवृत्ति डेवलप हुई है।
अब ये क्या है, ये स्कल्पचर जो है, ये उसका जो हेड है, इट इज एक, ये पूरा लाइफ साइज है, ह्यूमन बॉडी के बराबर, कोई भी छोटे स्कल्पचर नहीं, सब 6 फीट 7 फीट के हैं। ये मेरे मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो है ये इंटरेक्टिव है, ये जो फॉर्म है इसको आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं इस फॉर्म को, तो कहीं ना कहीं आपसे, आपके साथ वो कम्युनिकेट करता है। ये स्टोन का है, स्टोन चेन, आपको ये कहीं ना कहीं देख के फीलिंग होती है कि हम इसको मूव कर सकते हैं, साइकिल के चेन के फॉर्म का। दिस इज ए काइंड ऑफ, इस लड़के का एक वीडियो इंस्टॉलेशन भी था, बहुत अच्छा था। ह्यूमन को किस तरह से उसका जो शोषण हो रहा है, इस फॉर्म में देखिए, ये पूरा फॉर्म। ये दो फॉर्म है, ये मिरर नहीं है लेकिन मिरर इमेज है, दो फॉर्म है। हम लोग जो बात कर रहे थे कि मीडियम को जिस तरह से नए, जो नए ट्रेंड है, हर मीडियम का एक अपना चरित्र होता है। जैसे ये चरित्र स्टोन का नहीं है, स्टोन में रस्सी का चरित्र नहीं है, स्टोन एक सॉलिड मीडियम है और उसका अपना कैरेक्टर होता है। लेकिन एंटी मीडियम, मीडियम के विपरीत कार्य करने में एक अलग सेंसिबिलिटी होती है। जैसे अब बहुत सारे स्कल्प्टर्स के काम है जो 4 इंच की एक कैंची है और उसी मटेरियल में उसने उसको इनलार्ज करके 4 इंच, 6 इंच की कैंची को 6 फीट का या 50 फीट का या 40 फीट का बना दिया, तो उसकी सेंसिबिलिटी, तो चेंज ऑफ मटेरियल, चेंज ऑफ साइज, उससे जो सेंसिबिलिटी डेवलप होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और आज कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट में बिल्कुल हूबहू उन्हीं चीजों को, इनलार्जमेंट, कैरेक्टर ऑफ मीडियम, उसको मीडियम चेंज करके, मटेरियल चेंज करके किस तरह से उसकी संवेदना बदलती है, तो ये हम लोग देखते हैं अभी कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट में। ये अलग तरह का ट्रेंड है, ठीक है। सर वर्क बहुत अच्छा लगा। ये सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनके काम। यस सर, वाकई बहुत अच्छा वर्क है। ये मैं बहुत ही ग्लांस में, मेरे कुछ स्कल्पचर है, मैं इसको बहुत ही ग्लांस में आपको, मैं मेनली स्टोन में करता हूँ। ये मैं जापान में, मैं विजिटिंग प्रोफेसर था उस समय, मैंने किया था वहाँ के स्टूडियो। ये भी जापान में मैंने किया था 2014 में। ये आप लोग कभी उदयपुर जाएंगे तो लेक के पास ये है, लेक के किनारे, काफी बड़ा स्कल्पचर है, इट इज अराउंड 15 फीट, सर उदयपुर में उदयपुर में, लेक के, लेक साइड में। ये पूरा 6 पीस का कंपोजिशन है। बहुत ये जयपुर में है, काफी, ये भी करीब 15 फीट के आसपास का है। ये बेंगलोर में है, एयरपोर्ट के पास, स्कल्पचर गार्डन एक है, तो मेरे कलेक्शन में काफी सब सारे स्टोन में ही है स्टोन। ना? ये जो मैंने कहा था कि इंटरेक्टिव, ये डोर खुलता है बंद होता है, तो स्टोन में भी एक इंटरेक्शन का, दिस इज कॉल्ड मैजिक बॉक्स, जैसे म्यूजिशियन मैजिशियन होते हैं। ये बड़ौदा में है, काफी बड़ा काम है।
ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वर्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पार्क है मॉरिशस में, वहाँ पर है रॉक कटर्स करके, वहीं 1 महीने रह के मैंने किया था। ये बहुत नरेशन अच्छा। है, इस स्कल्पचर में एक नरेशन है। अब देखिए स्कल्पचर में नरेशन का कैसे, स्कल्पचर में नरेशन कैसे आता है। ये जो प्लेस है यहाँ पर मॉरिशस में एक जगह है जहाँ पर 12 कंट्री के स्लेव, फ्रेंच ने 12 कंट्री के लोगों को स्लेव बना के रखा था। तो वो गुलाम जो लोग थे, वो लोग गुलामी से मुक्त होने के लिए, मतलब वो लोग बहुत त्रस्त आ गए, तो वो लोग पहाड़ी पर चले गए। पहाड़ी पर वो दो चोटियों के बीच में गैप था, तो वो लोग एक लकड़े को रखकर दूसरे चोटी में आ गए कि यहाँ पर हम सेफ रहेंगे। लेकिन जब फ्रेंच गवर्नमेंट को पता चला कि ये लोग हैं, तो उनको कैप्चर करने के लिए वो लोग जब आने लगे, तो इन लोगों ने सोचा कि हमको फिर गुलाम होने से अच्छा है कि हम फ्री हो जाएं, हम अपने प्राण को त्याग दें। तो करीब करीब ये 200 मीटर के ऊपर से करीब 117 लोगों ने छलांग लगा दी थी, उसमें भारतीय भी थे। तो जिन देशों के भी लोग थे, वहां से एक एक मूर्तिकार को बुलाया गया था, और उसी रॉक से जहां पर इनकी डेथ हुई थी, उसी रॉक के पास स्कल्पचर किया गया था। तो भारत से मुझे भेजा गया था, ये वो जगह है। ठीक है, अब तो हम लोग इस पर अब डिस्कस करेंगे, बहुत सारे काम है बाद में, तो भी हम लोग देखेंगे। जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए कि स्कल्पचर में, पेंटिंग में किस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, और वो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है उस एक्सपेरिमेंटेशन को। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्कल्पचर में क्या होता है। स्कल्पचर में एक, जो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि एक अपना ग्रामर है, ये ग्रामर से अलग का स्कल्पचर है। ये धान का खेत है, ये जब धान को काट लेते हैं, तो काटने के बाद जो नीचे का पार्ट बन जाता है, इसको मैंने स्कल्पचर के रूप में देखा है। तो क्या है कि कॉन्सेप्ट किस तरह से बदल रहा है, आर्ट का कॉन्सेप्ट कैसे बदल रहा है ना। तो वो अब वो ट्रेंड अब बहुत वो ट्रेंड अब पूरे कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट में, अब ये बहुत ही कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट में और पूरे विश्व में ये ट्रेंड बदलता जा रहा है। अभी हम लोगों ने जब बात की थी कि, एक मिनट, मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। एक फिल्म है जो कोशिश करता हूँ अगर मैं कर पाऊँ तो। आप लोगों ने कोची बिनाले देखा था कहीं से? कोची बिनाले का कुछ देखा था आप लोगों ने? कोची बिनाले का नाम सुना है कभी? यस सर देखा है, लेकिन अभी का नहीं देखा है, पहले हाँ, तो देखा उसका वीडियो भी बहुत सारा है, उसको जरूर है। देखिएगा आप यस लोग। शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि हम लोग कैसे आर्ट को जब देखेंगे, आर्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट को देखें या ट्रेडिशनल आर्ट को देखें, जब भी हम देखेंगे तो पहले एक हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। हमको कला के बारे में विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि आज से 20 साल पहले क्या ट्रेंड था, आज से 50 साल पहले क्या ट्रेंड था, और वर्तमान में कितने तरह से लोग उसको अलग अलग तरीके से नए नए प्रयोग कर रहे हैं। जब हम देखेंगे तो कला को देखने की हमारी दृष्टि अलग होगी, और जब तक हमारा अपना विजन नहीं होगा, हम आर्ट को उस तरह से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक रही कि जो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम जब बात करते हैं, तो हमको ये देखना है कि जो वर्क ऑफ आर्ट हम देख रहे हैं, वो हम अपनी दृष्टि से तो जरूर देखें, हमारी अपनी दृष्टि होगी। जब किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को देखेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने संवेदना के आधार पर देखते हैं, और कोई भी चित्रकार मूर्तिकार अपनी संवेदना के आधार पर देखता है, या एक आम व्यक्ति भी अपनी संवेदना के अनुसार देखता है। लेकिन जब हम क्रिटिक के रूप में देखते हैं, जब हम उसको एनालाइज करते हैं, तो वहां पर हम अपनी अपना जो टेस्ट है, उस टेस्ट को अलग हटकर हमको पूरे एक व्यापक ढंग से उसका अध्ययन करना चाहिए, और तभी हम उसके साथ सार्थक ढंग से एक रिसर्चर के रूप में अपने भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि ये इंटरेक्टिव सेशन है, और इस सेशन में हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं, जो न्यू ट्रेंड्स की बात, इसलिए मैंने ये ट्रेंड्स दिखाए जो अभी
वर्तमान में जो आर्टिस्ट अभी नए आर्टिस्ट जो 25 साल 30 साल के काम कर रहे हैं, मोस्टली उन लोगों के ही काम मैंने दिखाए। इसलिए दिखाया कि आप 1950 2000 तक के कलाकारों का, 1990 तक के कलाकारों का बहुत सारा काम पब्लिश है, और वो हमारे टेक्स्ट बुक में और लाइब्रेरीज में मिल जाती है, जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। मतलब जैसे अगर शंखो चौधरी की बात करें, के जी सुब्रमण्यम की बात करें, तो बहुत सारे हमारे पास उसके पब्लिश्ड मटेरियल है जिसके आधार पर हम अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन जब हम कंटेम्प्रेरी मॉडर्न ट्रेंड की बात करेंगे या वर्क ऑफ आर्ट को जब हम एनालाइज करेंगे वर्तमान परिदृश्य में, तो निश्चित रूप से वर्तमान परिदृश्य में किस तरह की चीज़ों का क्या वर्तमान ट्रेंड है, उसको जब तक हम अध्ययन उसका नहीं करेंगे, तब तक ना तो हम पुरानी चीज़ों का, पुरानी कलाकृतियों का, ऐतिहासिक कलाकृतियों का अध्ययन करेंगे, ना ही हम वर्तमान कला का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी यह है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र हो वो वाइडर हो, उसी के अनुसार हम व्यापक होगा, तभी उसी के अनुसार हम लोग ज्यादा से ज्यादा विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे। इसके साथ साथ हम लोग न्यू ट्रेंड और न्यू प्रैक्टिसेस की बात की है कि न्यू प्रैक्टिसेस में हम लोगों ने मीडियम को तोड़ा, हम लोगों ने स्पेस को यूज किया, स्पेस को एक कैनवास के दायरे में और एक निश्चित फ्रेम के दायरे से हम बाहर निकले। मीडियम में हम लोगों ने माध्यमों में बहुत सारे परिवर्तन किए, कई माध्यम को कंबाइन करके किए, कई कई नहीं कई नए माध्यमों का भी हम लोगों ने प्रयोग किया, और आकार के रूप में भी हम लोगों ने साइज के ऊपर भी बहुत सारे काम किए। जैसे मैंने एक बात किया कि साइज का एक स्टेपलर है, स्टेपलर को 6 इंच के स्टेपलर को अगर हम 12 फीट में किसी मूर्तिकार ने बनाया है, तो उससे उसकी जो संवेदना है उस पर फर्क पड़ता है। दूसरा एक आकार को लेकर पड़ता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा माध्यम को लेकर होता है। जैसे ये शर्ट है, ये जैकेट है, और इस जैकेट को अगर हम मेटल में बना देते हैं तो उसकी संवेदना बदल जाती है। तो कलाकारों ने माध्यम के और आकार के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए हैं, और उन प्रयोगों के आधार पर संवेदना में जो परिवर्तन हुआ, आकार परिवर्तन, माध्यम परिवर्तन में जो संवेदना में असर, जो प्रभाव में, जो संवेदना में जो फर्क पड़ा है, उसका अध्ययन भी हम लोगों को करना चाहिए, और तभी हम कला का विस्तृत रूप से अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ, जब हम लोगों ने बात की तो फोक आर्ट और ट्रेडिशन आर्ट का भी हमारे कला पर, वर्तमान कला में, मूल रूप से भारतीय कला में या दूसरे देशों में भी, वहाँ के जो लोक कलाओं हैं, कलाएं हैं, उनका भी लोगों ने उस फॉर्म को लेकर भी कार्य किया है। तो जो कार्य किया वो फोक आर्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहेंगे कि जब हम लोक कला की बात करते हैं तो लोक कला में जो लोक कलाकार है उनकी संवेदना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोक कला करेंगे तो हम लोक कला का इमिटेशन करेंगे, हम लोक कला की अनुकृति करेंगे। तो जो लोक कला है वो लोक कला, कलाकार के द्वारा जो कला कलाएं होती हैं वही ज्यादा स्वच्छंद और ज्यादा स्वच्छ होती हैं। कई कलाकारों ने लोक कला के, जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, जैसे इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कलाकार है माधवी पारिक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने, माधवी पारिक ने लोक कला के फॉर्म को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। तो यहाँ पर यह भी हमको देखना चाहिए कि लोक कला के फॉर्म का उन्होंने एज टूल, एक माध्यम के रूप में, एक एलिमेंट के रूप में उसका प्रयोग किया। लेकिन जिन लोगों ने भी प्रयोग किया है वो समकालीन है। इसलिए अगर हम ये कहें कि मैं मधुबनी पेंटिंग कर सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं वहां पर संवेदना की दृष्टि से गलत होऊंगा। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी के जो चित्रकार हैं उनकी कला है, और वो जिस संवेदना से करेंगे हम उस संवेदना से कार्य नहीं कर सकते। हम उसका अनुकरण कर सकते हैं, हम उसकी नकल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन भारतीय समकालीन कला में, पूरे विश्व में, जहाँ भी फोक आर्ट को या ट्रेडिशनल आर्ट या ट्राइबल आर्ट के एलिमेंट्स को लेकर लोगों ने काम किया है, और एलिमेंट्स को जब लेकर काम करेंगे तो वहां पर उसकी अपनी दृष्टिकोण, अपनी दृष्टि हो सकती है। तो यहाँ पर यह भी हमको जानना जरूरी है कि जब हम लोग कला में भारतीयता की बात करते हैं, हम लोग हमेशा, ये एक बहुत नॉर्मल ट्रेंड है कि इंडियननेस इन आर्ट, जब हम भारतीय समकालीन कला की बात करते हैं तो हम हमेशा चर्चा करते हैं कि इंडियननेस इन आर्ट, भारत में कला में भारतीयता, कला में भारतीयता कैसे हो सकती है, हमारे संस्कार हो सकते हैं, हम अपने कल्चर से कुछ चीज डिराइव कर सकते हैं, हम आर्ट फॉर्म जो हमारे प्राचीन आर्ट फॉर्म है उन फॉर्म से हम कुछ एलिमेंट लेकर यूज कर सकते हैं, और वहां पर हम जब बातें करते हैं तो कला में भारतीयता की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि
इसके अतिरिक्त भी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें और कुछ अगर आपके मन में कोई दुविधा हो और कुछ डिस्कशन करना चाहें, आपस में डिस्कशन करना चाहें, तो हम लोग अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, 6-7 लोग हम लोग हैं और बात कर सकते हैं। सर, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ माध्यम नहीं चेंज हुए हैं आज के समय में, जो भाव हैं चित्रों के वो भी काफी हद तक चेंज हुए हैं। अभी मैंने जितने भी आर्टवर्क देखे उसमें मुझे ऐसा लगा कि आज के टाइम में जो हमारे नेचर के साथ हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो है जैसे डिफॉरेस्टेशन ही हो रहा है या फिर और भी चीजें जो है वो भी कलाकारों ने अपनी कला में किसी ना किसी तरीके से दिखाने की कोशिश की है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में। देखिए, मैं हम लोगों ने जितने भी काम देखे, मैंने पहले भी कहा कि कला में वर्तमान परिदृश्य में एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड है कि कला में सामाजिक संदर्भ, जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, कि कला केवल स्वांतः सुखाए सुखाए और केवल फॉर्म का प्ले नहीं रह गया। फॉर्म का प्ले है, तकनीक है, फॉर्म है, वो सब चीजें अलग है, लेकिन जब हम लोग ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जब कंटेम्प्रेरी ट्रेंड हम देख रहे हैं, तो उस नए ट्रेंड में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जुड़ा है जो पिछले 10 वर्षों में जुड़ा है, वो है सामाजिक संदर्भ। सामाजिक संदर्भ का तात्पर्य है कि कला में जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं, उसका संदर्भ क्या है, और बिना संदर्भ के जाने हुए, बिना संदर्भ का वो एक एक निश्चित रूप से वो केवल एक आकारिक संरचना रह जाती है। और जब भाव होगा कला में, हम लोग बहुत शुरू से, हम लोग आरंभिक काल से जानते हैं कि कला समाज का प्रतिबिंब है, और समाज के प्रतिबिंब के लिए आज हमारी स्वतंत्रता है कि हम अपनी भावों को व्यक्त करने के लिए हम बहुत सारी सीमाओं को तोड़कर व्यक्त करते हैं। और बहुत सारा आप बहुत सारे चीजों में देखे होंगे, जैसे आपको बहुत सारे कलाकृतियों में देखे होंगे, नए कलाकार बहुत स्किल्ड काम नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन फोकस है, वो क्या कन्वे कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपका आपकी जो दृष्टि है, जहां पर दृष्टि गई है, ये बहुत ही उचित है, और मैं भी इससे सहमत हूँ कि कला में सामाजिक संदर्भ, पिछले 10 वर्षों में सामाजिक संदर्भ बहुत सशक्त ढंग से उभर कर आया है, और ये जो ट्रेंड है, हो सकता है भविष्य में कुछ और हो जाए, लेकिन वर्तमान में ये ट्रेंड बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी की वजह से, उसी सामाजिक संदर्भ को व्यक्त करने के उद्देश्य से, जो फॉर्मल, जो एक जो पारंपरिक विधियां थी कला की, उस विधियों से तोड़कर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं। जैसे हम लोगों ने वीडियो इंस्टॉलेशन में देखा, हम लोग आर्ट परफॉर्मेंस में देखते हैं, आर्ट परफॉर्मेंस में आर्टिस्ट तो परफॉर्म करता है और फिर खत्म होता है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, ना गैलरी में होता है। एक पेंटिंग बनाते हैं तो वो चित्र सैकड़ों साल तक रह सकता है, हजारों साल रह सकता है, लेकिन एक परफॉर्मेंस का जो उद्देश्य होता है वो 5 मिनट और 10 मिनट का होता है, फिर वो खत्म हो जाता है। अगर किसी ने वीडियोग्राफी की तो बात अलग है, लेकिन जो जो संवेदनशीलता और जो वातावरण उत्पन्न किया जाता है, वो वातावरण जो लोग होते हैं वो उसके पार्ट होते हैं, जो देखने वाले होते हैं उस परफॉर्मेंस के, वो पार्ट होते हैं, वो अपने को वहां पर फील करते हैं, और वो फीलिंग 10 मिनट या 5 मिनट के लिए होती है। तो अब हम लोग इस बात पर जरूर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कलाकारों का वर्ग है जो अपने को स्थापित करना उनका उद्देश्य नहीं रह गया है, वो एक सामाजिक उद्देश्य से भी कलाकृति करते हैं और कलाकारें कर रहे हैं। तो ये पिछले 10 दशकों में जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, और एज रिसर्चर हमको ये व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। मैंने पूर्व में भी कहा है कि हम जब गुप्तकालीन चित्रों का, मूर्तियों का अध्ययन करेंगे, हम प्रागैतिहासिक चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करेंगे, मेसोपोटामिया का करेंगे तब करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का करेंगे तब करेंगे, तो हमको उस परिवेश में, उस सामाजिक स्थिति में जाना होगा। लेकिन जब वर्तमान कला का, जिस कला का भी अध्ययन करेंगे, वो उस कला के उस परिवेश में हमको जाना होगा, और इसी दृष्टि से जो वर्तमान परिदृश्य है, वो वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे तो हर व्यक्ति सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के भीतर एक अपनी भावना है, और कहीं ना कहीं वो उसका डोमिनेंस है, कहीं ना कहीं वो व्यक्त करना चाहता है, चाहे वो समाज का किसी भी वर्ग का व्यक्ति है। अब वो व्यक्तिवादी दृष्टि, अब वो ऐसा नहीं है कि एक आदमी, एक ग्राम प्रधान ने कह दिया और सारा ग्राम उसी के पीछे पड़ेगा, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति अब इंडिविजुअल ढंग से सोचता है, वैसे ही कलाकारों में समाज का जो परिवर्तन हुआ है, वो कला में भी उसी तरह से हुआ है।
तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और हमको इस तरह से कला के बारे में अध्ययन करना चाहिए। सालवी, बहुत अच्छा प्रश्न था और आप लोग ये अगर तो मुझे बताएंगे। जैसे ओशो जी की भतीजी का एक पेंटिंग था ना, उसमें जो आपने दिखाया था, तो उसमें मुझे साफ दिखा कि धर्म का व्यवसाय किस तरीके से हो रहा है, वो उन्होंने तराजू में दिखाने की कोशिश की थी। अब उसको हम लोग किसी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो बिल्कुल हाँ स्वतंत्रता है, जी, लेकिन ये जरूर है कि कुछ एलिमेंट्स उन्होंने लिए जो कि धार्मिक एलिमेंट है और जो मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्म है, जो हम लोग देखते हैं मेडिटेटिव फॉर्म कुछ होते हैं जिसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो एक उसके लिए आकार होता है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं सब कॉन्शस में, कभी कभी कॉन्शस भी होता है आदमी, कभी कभी सब कॉन्शस भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं खुद कार्य करता हूँ तो मैं जो भी करता हूँ तो मैं ऐसा सोच कर नहीं करता हूँ कैसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है, हमारे पूरे परिदृश्य से रिलेट करता है, और कहीं ना कहीं एक काम दूसरे काम से भी जुड़ता है। इसलिए कि जब आप स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद होकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से वर्क ऑफ आर्ट का एक चेन बनता है, एक रिलेशन होता है। और किसी भी आर्टिस्ट का जब इंडिविजुअल आप अध्ययन करेंगे तो ये बात हमेशा आप ध्यान देंगे कि उसका, हम किसी आर्टिस्ट का जब अध्ययन करेंगे तो उसका उसको कैसे विभक्त करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग कल इस पर भी चर्चा करेंगे कि इंडिविजुअल आर्टिस्ट को जब हम करेंगे या आर्ट का जब हम एक रिसर्चर के रूप में जब करेंगे तो कैसे हम उसका विभाजन करेंगे, और कल हम लोग इसी पर मूल रूप से बात करेंगे। ठीक है, तो सर और भाई मेरे एक जी। क्वेश्चन था सर, थोड़ा सा अगर आप आइडिया और मीडियम को, रिलेशंस को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो अपने वर्क के थ्रू, कि एक आइडिया से मीडियम की तरफ कैसे जाते हैं या फिर हम मीडियम से आइडिया की तरफ कैसे आते हैं। जैसे आपके एक धान का वर्क देखा था, तो उस पे थोड़ा सा देखिए सर, रिलेशन आपके कॉन्सेप्ट दोनों। क्या थे सर? देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक जैसे क्या होता है कि जो ट्रेंड होता है, जो आदमी का जो काम करने की पद्धति होती है, जो तरीका होता है, वो बदलता रहता है ना, मतलब स्थितियों के अनुसार। जैसे हम स्टूडेंट होते हैं तो हम एक तरह का काम करते हैं, टीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं और हम काम करते हैं, फिर बहुत सारी चेंजेस होती है, धीरे 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 आदमी में परिवर्तन होता है। मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ कि मैं जब बड़ौदा में पढ़ता था तो मैं इस तरह का काम करता था, ये सब मेरे बड़ौदा के स्टूडेंट पीरियड के काम है। ये थोड़ा पहले के काम है। नंबरिंग नहीं हो रहा, मैं सीक्वेंस नहीं आ रहा जैसा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि होता क्या है कि जैसे आपके पास बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं, कभी कभी टीचर का इन्फ्लुएंस होता है, कभी आप स्टूडेंट से प्रभावित हो जाते हैं, या कभी किसी आर्टिस्ट से प्रभावित हो जाते हैं, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सबके साथ होता है। लेकिन क्या होता है कि दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं, एक आर्टिस्ट होते हैं कि कहीं ना कहीं अपने एक उनका स्टाइलाइजेशन बन जाता है और उस स्टाइल में ही अपने आप को, उसी दृष्टि से अपने को देखते हैं। ठीक है, कुछ कलाकार, जैसे मैंने कहा था कि मैंने कुछ समय तक शेडो से काम किया। अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ये काफी बड़ा है, ये ग्वालियर में एक स्कल्पचर है, ये शेडो है, शेडो दीवार में पड़ रहा है, ये फिगर है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से सर आप स्क्रीन लेकर, शेयर कर दीजिए, हम लोग को अच्छा दिख स्क्रीन, नहीं रहे। अच्छा दिख नहीं रहा है, एक मिनट।
अब तो आ रहा है ना? यस सर आ रहे। जैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे सोच होती है आदमी की, तो ये एक स्कल्पचर है, शेडो, इसका मेरा टाइटल है शेडो, ये स्टोन में है। अब यहाँ से ये इस पार्ट में, यहाँ से लेकर दीवार तक हमारा शेडो हो रहा है। अब जब दीवार के पास पीछे से लाइट पड़ती है तो हॉरिजेंटल होता है और फिर वो वर्टिकल हो जाता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको कैसे थ्री डायमेंशन में सोचा जा सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। ये कॉन्सेप्ट मैंने लिया जैसे कैसे हम इसको डिराइव करते हैं। हम लोगों ने जो लखनऊ में हम लोग देखते हैं कि इस तो ये खिड़कियां जो होती है जाली वाली पत्थर की खिड़कियां, उसके पीछे से आप सबको देख सकते हैं लेकिन आपको कोई नहीं देखेगा, ये जो पुराने आर्किटेक्चर में ऐसे। तो इस फॉर्म को मैंने लेकर किया, ये भी काफी बड़ा है, ये भी ये दो काम है इसी सीरीज के। ये ट्रिनाले में था, इंटरनेशनल ट्रिनाले में। अब ये स्टोन है, स्टोन में अब माध्यम को लेकर ही हम बात, माध्यम को किस तरह से हम लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। स्टोन स्टोन में ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती है, स्टोन ओपेक मीडियम है, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं हम देख सकते। लेकिन इस स्कल्पचर में मैंने स्टोन को जिस तरह से यूज किया है, स्टोन में ट्रांसपेरेंसी है, पीछे का जो पार्ट है वो भी मेरा पार्ट है, ये देखिए बैक साइड से, और ये मेटल है, मेटल का फिगर है, तो ये भी इसका एक पार्ट हो सकता है। स्पेस है, स्पेस भी पूरा सराउंडिंग उसका पार्ट है, पूरा एक स्कल्पचर इस तरह से वो। ये दूसरा एक स्कल्पचर है, इसमें भी जो इंटरनल स्पेस है, इन दोनों फॉर्म के पीछे बैक साइड है, ये फिगर का फ्रंट साइड है, इसके भीतर का जो स्पेस है वो भी मेरे स्कल्पचर का पार्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हुआ है, वो कॉन्सेप्ट आदमी कैसे मटेरियल के साथ डेवलप करता है। यस सर। अब ये देखिए, ये बहुत ही, ये जो हम लोग चक्की देखते हैं गांव में, इस फॉर्म को लेकर मैंने किया। तो कहीं ना कहीं से आदमी ये एक स्कल्पचर है जो हम लोग नॉर्मली, हम लोग अपने पेरेंट्स का पहले पेयर फोटोग्राफ होता था, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने काम किया। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट कैसे आदमी डेवलप करता है। अब जैसे वो बाद, ये सनराइज स्कल्पचर है, अब सूर्य की किरण को लेकर, सूर्योदय जिस तरह से होता है, तो सूर्य के किरण को लेकर मैंने किया। तो बहुत तरीके से, और क्या होता है कि कई बार आदमी स्टाइलाइज भी हो जाता है। ये भी शेडो है, ये शेडो का देखिए, ये हेड है और शेडो थ्री डायमेंशनल है। ये सब काफी बड़े बड़े साइज के स्कल्पचर हैं। ये इंटरैक्ट कर रहा है। तो मटेरियल के साथ बहुत बड़ा मटेरियल को कंबाइन करके, जैसे स्टोन में मैंने इसको मिक्स्ड मीडिया हम लोग बोल सकते हैं, स्टोन के साथ मेटल मेटल का कॉम्बिनेशन है। स्टोन अपने आप में, ये पूरा स्पेस जो है, पूरा सराउंडिंग, वो पूरा एक स्कल्पचर है। ये इंटरनल स्पेस को लेकर, उसके भीतर का जो है उसमें जर्मिनेशन है, उसको लेकर मैंने काम किया। तो बहुत तरह से आप सोच सकते हैं, और जब आर्टिस्ट का हम लोग अध्ययन करेंगे तो हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ मेरे सबकॉन्शस में और कुछ हो। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही मैं सही बोल रहा हूँ। तो कई बार जब आर्टिस्ट का आप एनालिसिस करेंगे, आर्टिस्ट के बारे में जो आप देखना शुरू करेंगे, तो फिर आप देखेंगे ये इनसाइड है, पत्थर के भीतर स्पेस निकाल कर किया हुआ है। तो इस तरह से काम का बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है, और प्रोसेस को, टेक्निक को हमको भी समझना होगा। जब टेक्निक को समझेंगे, जैसे अगर हम मान लीजिए कि स्टोन को देख रहे हैं, तो स्टोन के कैरेक्टर को हमको समझना होगा। हम एंटी मीडियम कैसे कैसे हम किसी मीडियम को बोलें कि एंटी मीडियम है या मिक्स्ड मीडिया है। तो हमारे लिए एक रिसर्चर को हर विधा की तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, पेंटिंग का कैसे क्या क्या तकनीक होता है, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। ऑयल पेंटिंग का क्या अपना कैरेक्टर है, वो आपको ज्ञान होना, एक्रेलिक में कैसे है, वाटर कलर का क्या कैरेक्टर है,
वो सब आपको स्टडी करना होगा, तभी आप, जब तकनीक का अध्ययन होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। यस सर। तो इसी तरीके से आप लोग आगे सोचिए कि हम लोग को जब काम करना है, हमको रिसर्च करना है, तो मीडियम की अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए, हमको थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का चाहिए, हम स्कल्पचर का भी अध्ययन करें, हम पेंटिंग का भी अध्ययन करें, उसके बाद उसके तकनीक का अध्ययन करें, और फिर उसके बाद हम यस लोग आगे उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। कल हम लोग कौन से, किस विषय पर चर्चा करेंगे? कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कल? हम वर्क ऑफ आर्ट का अप्रिसिएशन की तो बात कर ही रहे हैं, आज हम लोगों ने इसीलिए देखा। और सर हमारा एग्जाम भी है कल, मिड टर्म। कितने बजे है कल? कितने एक से बजे है? दो अच्छा, तो कल का मैडम से बात कर लीजिए, कल का ड्रॉप कर देते हैं, किसी और दिन कर लेंगे फिर। सर 15 अगस्त यस सर, सब बात कर लेंगे मैम। मैथोलॉजी का पेपर भी है सर 15 को। हाँ तो कल का ड्रॉप कर देते हैं, फिर किसी दिन कर लेंगे, अब मैडम से बात कर लीजिएगा। बोल क्यों ना रहे 15 को बे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग जो अगली बार हम लोग बैठे, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आर्ट के बारे में समझने का प्रयास किया है, देखने की दृष्टि के बारे में हम लोग, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, एक रिसर्चर के लिए आप इतिहास पढ़ सकते हैं, आप इतिहास की जानकारी कर सकते हैं, अपने विषय की जानकारी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए। और मैंने 3 दिन में यही मैंने कोशिश की है कि आपको वर्क आर्ट ऑब्जेक्ट को देखने का, उसको तकनीक, उसके तकनीक को देखने का, वो किस तरह से हम देखेंगे, किस तरह से एनालाइज करेंगे, और बाकी तो जो हिस्टोरिकल चीजें हैं वो किताबों में मिलेंगी, आर्ट हिस्टोरियन आपको बता देंगे, अभी तो और भी आपके रिसोर्स पर्सन बहुत आएंगे, वो लोग बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मैं पहले, सबसे पहला रिसोर्स पर्सन था क्या, इसके पहले भी किसी का हो चुका है? तो हो चुका है पहले भी आप। सर हो चुका है, लेकिन इतने अच्छे टॉपिक्स पे नहीं, मतलब हिस्ट्री पे हुआ है या जी गैलरीज पे हुआ है, म्यूजियम्स पे हुआ है, लेकिन इन टॉपिक्स पे नहीं छुआ किसी ने, जो जितना अच्छा मतलब मटेरियल के ऊपर, वर्क के ऊपर, ये सब नहीं हुआ। तो ठीक है, हम दृष्टि लोग आपने हम लोग को नहीं, वो तो अलग है। ये तो अब ये है कि मेरा उद्देश्य यही था, और खासकर मैं, चूंकि हम मैं खुद स्वयं में एक आर्टिस्ट हूँ, प्रैक्टिकल अनुभव मेरा है, और प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हूँ और एक टीचर हूँ, और लगभग 30 वर्षों का मेरा टीचिंग का अनुभव है, 27 साल की उम्र से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने जो अध्ययन किया है, और मैं, मेरे अंडर कई लोग रिसर्च भी कर चुके हैं, लेकिन मुझे जो रिसर्चर के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि हमेशा लैक हम लोग करते हैं, मैं बहुत सारे थीसिस भी देखा हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि लोग लैक करते हैं, कि एक एक जब रिसर्च की बात हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं कि मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जैसे किसी आर्टिस्ट के बारे में करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसको अपनी दृष्टि से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आपकी एक अपनी दृष्टि बने, और अपनी दृष्टि के लिए मैं हमेशा आपको अभी भी कहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले तो आप जरूर विजुअल्स देखिए, और जी सर, विजुअल्स देखेंगे तो आपका क्षेत्र बढ़ेगा, और जब क्षेत्र बढ़ेगा तो आपका निश्चित रूप से आपकी अपनी दिशा होगी, अपनी दृष्टि होगी, और किसी रिसर्चर को अपनी दृष्टि बनानी बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लोग खत्म करें, मैं समझता हूँ कि फिर अगर हम लोग को मौका मिला, मैडम से बात कर लीजिएगा, फिर हम लोग एक टॉपिक डिसाइड करके, और इस बार आप लोग भी उस टॉपिक पर थोड़ा ध्यान करके आइए, और हम चाहेंगे कि ओपन डिस्कशन करें, तो ज़्यादा हम लोग सार्थक ढंग से बात करें, मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं बोलूँ आप लोग सुने, आप भी बोले और मैं सुनूँ, तो ज़्यादा सार्थक रहेगा। ठीक है, थैंक यू, ओके, जी सर, थैंक यू थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्ते।